अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल सी है, इलायची वाली कड़क चाय की, जो हर घर में बनती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं अपनी रेसिपी शेयर करूँ। तो जो चीज़ें चाहिए वो आपके सामने हैं। 1 कप मैंने मिल्क लिया और 1 कप ही मैंने पानी लिया है, और 2 टीस्पून मैंने चाय की पत्ती ली है। कोई सी भी ले लें आप, किसी भी ब्रांड की, आप जो जो आपको सूट करती हो आप वो ले लें। और 1 टेबल स्पून मैंने शुगर ली है, शुगर टू टेस्ट लें आप। और इलायची ली है जिसे मैंने अच्छी तरह कूट लिया, ये 1 टीस्पून है, आपके सामने है। अगर आप इसको ग्राइंड कर लेंगे या कूट लेंगे तो इससे इसकी खुशबू ज़्यादा आएगी, इसके बजाय कि आप मार्केट से लें इलायची पाउडर, तो उससे बेहतर है आप इसे घर में ग्राइंड कर लें या कूट लें। तो मैंने इसे कूटा है अच्छी तरह से। तो स्टार्ट करते हैं चाय बनाना। सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे, हम मीडियम कर लेंगे फ्लेम को। वन कप पानी ऐड करेंगे। थोड़ी सी इलायची डालेंगे हम और पानी को कवर करेंगे, ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। तो फिर हम इसमें पत्ती ऐड करेंगे, चेक करेंगे, 2 मिनट हो गए हैं, पानी में बॉयल आ गया है। तो चाय की पत्ती आपने एक साथ ऐड नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी सी ऐड करनी है इस तरह। एक दो बॉयल और आ जाए तो फिर मैं मिल्क ऐड करूंगी। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, ये देखें मैंने इसे कप में फिर शिफ्ट किया है। ये देखें 1 कप ही पानी था और 1 कप ही मिल्क। मिल्क आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर आप दूध बत्ती पीना चाहते हैं। तो मैं इस तरह बनाती हूँ। तो अब हम शुगर ऐड करेंगे, शुगर टू टेस्ट लें। तो अब फिर इसे कवर करेंगे हम 1 मिनट के लिए, बॉयल आ जाएगा। तो फिर हम इसमें ब्लैक टी ऐड करेंगे, चेक करेंगे, 2 मिनट हो गए हैं, चाय में बॉयल आना शुरू हो गया है। स्लो फ्लेम कर दूंगी। अब हम ब्लैक टी ऐड करेंगे और सारे ही ऐड कर देंगे, और इलायची, इलायची आप जितनी ऐड करें चाहे तो पूरा टीस्पून ही ऐड कर दें, मैंने थोड़ी सी बचा ली है, वो मैं लास्ट में ऐड करूंगी। अब हम इसे 4 से 5 मिनट पकाएंगे स्लो फ्लेम पर, ताकि ये मज़ेदार सी कड़क सी चाय रेडी हो। विंटर स्टार्ट हो चुके हैं तो ज़रूर एंजॉय कीजिए जो चाय को पसंद करते हैं।
अब हम इसे 4 से 5 मिनट पकाएंगे स्लो फ्लेम पर। लास्ट में मैं इसे कवर करूंगी, थोड़ी सी इलायची डालकर दम दूंगी। तो 4 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखें 3 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे लास्ट में थोड़ी सी इलायची डालेंगे और कवर करेंगे। और आपने इसे देखते रहना है, फ्लेम ऑफ करेंगे। अब बिल्कुल स्लो फ्लेम है और चाय पक रही है लास्ट पे। अब इसे मैंने दम दिया हुआ है इलायची डाल के। और जो लोग ज़्यादा शुगर ऐड करके चाय पीते हैं वो अपने हिसाब से डाल लें, शुगर 2 टीस्पून डालें, 1.5 टीस्पून डाल लें। और जो लोग पत्ती ज़्यादा पीते हैं तो वो ज़्यादा डाल सकते हैं अपने हिसाब से। बिल्कुल ढाबा स्टाइल कड़क चाय है। ये देखें चाय हमारी रेडी है। एक मिनट इसे ऐसे ही पकाएंगे ओपन, उसके बाद मैं इसे कप में डालूंगी। जी तो व्यूअर्स, हमारी चाय रेडी हो चुकी है। जिसने पीनी है वो आ जाएं। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको इलायची वाली कड़क चाय की रेसिपी? आपने ज़रूर ट्राई करना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।